हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। मैं कितने दिन से शॉपिंग करने नहीं जा पाई, जब से मैं सोमनाथ चाहिए तब से मैं कहीं नहीं गई हूँ। तो आज सोचा फाइनली संडे आज जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें मुझे लेना है और सबसे ज़्यादा घर से रिलेटेड चीज़ें लेनी है। तो मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। यार पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैंने इसमें जो एक ग्रीन ब्रेसलेट पहना होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो कल रात सोने में ना गिर गया। अच्छा होगा कि मुझे मिल गया, पर ये इसको ना पहनने में प्रॉब्लम होती है। ये नेल्स ना, मतलब नेल्स तो करा लो, पर नेल्स होने के बाद ना आप कुछ काम नहीं कर पाते जल्दी। तो ये तो पहन नहीं पाऊँगी, तो भाई से ही पहनना पड़ेगा इसको। तो बाकी रिंग्स पहन लेते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये है मेरा आज का लुक। तो ये मैंने डेनिम टॉप पहना है, ये जीन्स और ये मेरा पर्स। तो आपको पूरा लुक को मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, आप बताना कि कैसा लग रहा है। मैं रेडी हो गई और अभी जाते हैं शॉपिंग के लिए। पीछे की चीज़ें आप इग्नोर करना, क्योंकि मेरा घर ऐसे ही रहता है थोड़ा सा ऐसे। तो अभी हम निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। बाकी आज होम सेंटर ही जाना है, मतलब मुझे अपनी शॉपिंग नहीं करनी है आज, मुझे घर के लिए सारी शॉपिंग करनी है, कर्टन्स वगैरह लेना है, तो होम सेंटर ही जाएंगे। तो मैं आपको वहाँ भी सारी चीज़ें दिखाऊँगी। हैंग करना है या फिर वॉल पे, मतलब नहीं नहीं हैंग के लिए और कुछ पेंटिंग टाइप। वाओ कितने सुंदर दिए हैं। एक घंटा मुझे लगता है लग जाएगा, इतने सारे सामान है। फाइनली होम सेंटर की शॉपिंग कंप्लीट हो गई, बहुत सारा सामान हो गया, पता नहीं कैसे कैसे घर में रखेंगे। इतना सारा सामान लेना था, फाइनली सारा सामान ले लिया और सोचा तो और सामान लूँ, लेकिन क्या है ना कि इतने सारे सामान हो गए कि गाड़ी मुझे लग रहा है उसी में भर जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा वो वॉल सीनरी लेनी थी, वॉलपेपर वाले, तो वो ज़्यादा पड़े हैं, फ्लोर मैट है, तो सारे सामान बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बाकी मुझे और भी कुछ शॉपिंग करना है, तो मैंने सोचा कि आज इतना ही कर लेती हूँ, बाकी कल आके कर लूँगी। कि मैंने सोचा आज मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने जाऊँगी, शाम को बर्थडे सेलिब्रेट कर चुकी हूँ, फिर भी सोचा आज थोड़ा और कर लूँगी जाके, मतलब भाई भाई के साथ अपने। Thank you.
बाकी जो लखनऊ में प्लासियम होम सेंटर है वो बाकी बहुत अच्छा है, मतलब आपको हर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बेड, सोफ़ा, कर्टन, किचन की चीज़ें, क्रॉकरी, मतलब एनीथिंग आपको जो भी चाहिए सब मिल जाता है। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैम एक क्लासी वेज बर्गर, चिली चीज़ गार्लिक बट कैप्चिनो और फ्रूट पेस्ट। सो ये है मेरी पेस्टी जो मैंने ऑर्डर किया अभी। आप सोचो कि जल्दी कुछ मिल जाए। बर्गर का वेट करते करते मेरा पेट भर गया, मैंने सोचा पैक करा के गाड़ी में खा लूँ। तो आज बनाए थे प्याज की पकौड़ी की सब्ज़ी। तो इसके लिए हमने मतलब दाल भिगा रखा था, मूंग उड़द और मसूर की दाल मिक्स करके, तो प्याज मिला के उसकी पकौड़ी बनाया है और सब्ज़ी के लिए ग्रेवी रेडी कर रहे हैं। सब्ज़ी बन जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं। तो आज मेरे डिनर में जो ये मैंने बेसन की सब्ज़ी बनाई और राइस और नमक मेरे लिए कंपलसरी, मुझे लगता है कि कितना भी नमक डालती हूँ ना मुझे लगता है खाने में नमक कम है, और ये आलू और भिंडी की भुजिया थी तो मैंने ले लिया।